स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी जितनी भी कोचिंग है उस एरिया में भी आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो दृष्टि आईएएस है उसके दो लोकेशन है, एक लोकेशन नहीं है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसको नैरो वीआर बोला जाता है, और जो दूसरी लोकेशन है वो इसके इन फ्रंट ऑफ सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट है, वहाँ पर उसकी दूसरा ऑफिस है। स्टूडेंट, जो दृष्टि आईएएस है उसका जो दो ऑफिस है, पहला जो ऑफिस है वहाँ पर सिर्फ आपकी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। आपने जब दृष्टि आईएएस के साइड के ऊपर जाकर आपने देखा होगा तो वहाँ पर आपको एरिया आपको मुखर्जी नगर का दिखाया जाता है, बत्रा सिनेमा के आसपास में, जो कि इन फ्रंट ऑफ सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट है। वहाँ पे आपका सिर्फ जो भी एडमिशन का प्रोसेस होती है वो वहाँ पे कंप्लीट की जाती है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, जहाँ पे अभी आप ये होर्डिंग वगैरह देख रहे हैं, ये नेहरू विहार का एरिया है, जो कि वर्धमान प्लाजा के अंदर लगती है। वर्धमान प्लाजा जो कि एक पहले मॉल हुआ करता था, आज यहाँ पे क्लासेज लगती हैं। और यहाँ पे अभी ये जो ऑफिस है यहाँ पे क्लासेज लगती हैं, यहाँ पे सारा जो दृष्टि आईएएस का जो भी स्टूडेंट का काम होता है वो भी यहीं पर होता है। लेकिन आप जब दृष्टि आईएएस में अगर आने के अगर आप सोच रहे हैं तो आपका शुरुआत में जो मुखर्जी नगर का ऑफिस है वहीं पर आपको विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपका एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। उसका मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ, वो आपको इन फ्रंट ऑफ सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी नगर के अंदर है, वो आपका जो ऑफिस है वो वहाँ पे है दृष्टि आईएएस का। और ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं ये नेहरू विहार के आसपास का एरिया है। अगर आपने, मैंने इस वीडियो के अंदर इस चैनल के ऊपर आपको एक पहले वीडियो बताया था जिसके अंदर मैंने आपको 12th फेल और द डार्क हॉर्स बुक के बारे में बताया था कि नॉवेलें काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन बुकों को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको मुखर्जी नगर के बारे में और दिल्ली के बारे में जानकारी काफ़ी अच्छी दे देती हैं। इन बुकों के अंदर आपने नेहरू विहार का एरिया आपने जरूर देखा होगा, और वहाँ पर आपको दिखाया गया था, वहाँ पर आपको जैसा कि लिखा गया था लेखक के द्वारा कि ये पुल है और पुल के आसपास में बहुत सी दुकानें बनी हुई है और वहीं पर आसपास में दृष्टि आईएएस का ऑफिस है। तो दोस्तों, ये वही एरिया है जो आपने पढ़ा था। और अभी तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दुकानें खुली हुई नहीं है, एक दो दुकानें जो कि यहाँ पे जो कई सालों से बनी हुई वही दुकानें खुली हुई है। लेकिन जब आप क्लासेज जब यहाँ पे रेगुलर लगेगी, अभी यहाँ पे क्लासेज लगने रही है, ये कोविड का टाइम है इसके कारण आपको स्टूडेंट भी दिख नहीं रहेंगे नहीं होंगे, लेकिन जब यहाँ पे क्लासेज लगती हैं उस समय बहुत सी चाय की टपरी वगैरह, पोए की दुकानें वगैरह बहुत सी खुल जाती है, क्योंकि स्टूडेंट उस समय होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा नाश्ते की दुकानें भी यहाँ पे बहुत सी उस समय खुल जाती हैं। लेकिन अभी ये सिचुएशन हो गई है, यहाँ पे आसपास में कोई स्टूडेंट है नहीं, और काफ़ी लोग उनके भी एक बोल सकते हैं गिग इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुई है, और जितने भी छाए की टपरी वाले वगैरह थे वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुकानें यहाँ पे अभी बंद कर चुके हैं। अभी आप जो ये एरिया देख रहे हैं, ये जो आप एरिया काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ लग रहा है, लेकिन जिस समय यहाँ पे क्लासेस की बंद होती है, जब क्लासेज खत्म हो जाती है उसके बाद में स्टूडेंट एक साथ में जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसा लगता होगा जैसे कि आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको मेला का मेला दिखेगा, बहुत से स्टूडेंट एक साथ में भीड़ की तरफ भीड़ दिखेगी। और अभी आप जो ये एरिया देख रहे हैं ये बहुत सी कोचिंग क्लासेज का एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टूडेंट, ये जो एरिया है यहाँ पे एक साथ में लगातार सारे कोचिंगों के ऑफिस आपको मिल जाएंगे। आप जैसे कि शुरुआत में देख रहे हैं जीएस वर्ल्ड का आपको ऑफिस दिख रहा है, और ये जो आप दुकानें देख रहे हैं ये सब दिल्ली की बुक शॉप की दुकानें हैं। स्टूडेंट, अगर आप दिल्ली से अगर कुछ बुक्स वगैरह भी मंगवाना चाहते हैं तो ये आपको फोटोकॉपी के रूप में और यहाँ से नोट्स और बुकें भी ये आपको अवेलेबल करवा देंगे। अगर आपको मंगवानी है तो उनके नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनसे लेके आप उनको कॉल करके डायरेक्ट यहाँ से मटेरियल भी मंगवा सकते हैं, और आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये आपका समाधान भी कर देंगे। अगर आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में कोई दिक्कत आती है तो आपको काफी अच्छा गाइड भी कर देंगे। स्टूडेंट, ये जो आप अभी ऑफिस देख पा रहे होंगे यहाँ पर संस्कृति आईएएस का भी ऑफिस आपको दिख रहा होगा। संस्कृति आईएएस अभी ज्यादा काफी ज्यादा चर्चा में आई थी जब डॉक्टर अखिल मूर्ति सर जो कि दृष्टि आईएएस में जुड़े हुए थे, उन्होंने यहाँ से ऑफिस को, उन्होंने दृष्टि आईएएस को छोड़कर अपनी खुद की न्यू कोचिंग खोली थी। ये वही ऑफिस है और ये दृष्टि आईएएस का मेन ऑफिस है जहाँ पर दृष्टि आईएएस की क्लासेज लगती हैं। और यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है कि लगभग एक कोचिंग एक ही क्लासेज होती है, सब आसपास में सब कॉम्पिटिटर होते हैं और एक साथ में बहुत ज्यादा क्लासेज खुली हुई है। स्टूडेंट जब यहाँ पर आएंगे तो एक साथ में इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी तो सारी जगह बंद है, आपको इतना ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, क्राउड भी इतना ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जिस समय यहाँ पे क्लासेज लगती है उस समय आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे। अगर यहाँ पे आओगे तो आपको पता तक नहीं चलेगा किस ऑफिस में जाना है किस ऑफिस में नहीं जाना है। और इतने ज्यादा यहाँ पे ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको पीजी वगैरह दिखाने के लिए होते हैं, खाने के लिए होते हैं। आप जैसे यहाँ पे घूमोगे तो आपको बहुत से लोग आपको ब्रोकर्स के रूप में मिल जाएंगे जो स्टूडेंट को बताते हैं कि आपको कौन सा पीजी भी अगर आपको अच्छी है तो वो आपको डायरेक्ट बता देते हैं और वो आपसे कुछ चार्ज भी लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये दृष्टि आईएएस का मेन ऑफिस है, और जब आप दृष्टि आईएएस के बहुत से पुराने फोटो भी देखते हैं तो ये वही वाला एरिया है। और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे किस हिसाब से कितनी यहाँ पे ऑफिस बने हुए, इसी कारण इतनी सारी एसियाँ भी लगी हुई है। स्टूडेंट, मैंने दृष्टि आईएएस का एक सेपरेट रिव्यू का भी वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, सो उसको भी आप देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने दृष्टि आईएएस के बारे में और भी जानकारी दे रखी है। और बाकी भी मैं जितनी भी और भी कोचिंग है उनके बारे में मैं भी न्यू वीडियो वापस से बनाऊंगा। दृष्टि आईएएस का रिव्यू के ऊपर भी मैं आपको फिर से न्यू वीडियो भी बना के दूंगा। अगर आपको लगता है कि और कौन कौन सी जानकारी इसके रिगार्डिंग चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि उनको भी अपन उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। और बाकी ये जो अभी यहाँ नीचे जितनी भी दुकानें आपको दिख रहे होंगे, जितने भी शटर दिख रहे होंगे, वो सारे क्लोज दिख रहे हैं, लेकिन आप आमतौर पर जब आप देखेंगे उसमें सारे शटर वगैरह
खुले मिलेंगे। ये ऑफिस है जिसके ऊपर जाने का एरिया होता है। ये एक तरह से पहले मॉल हुआ करता था, यहाँ पे बहुत सी दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज एक ऐसा टाइम हो गया यहाँ पे सारे कोचिंग वालों ने इसके ऊपर देखे तो सारे कोचिंग वालों का ये मॉल बन गया है। यहाँ पे पहले सामान मिलता था, आज यहाँ पे एजुकेशन मिल रही है। बोलने में थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन आजकल एजुकेशन एक तरह से बिजनेस ही बना हुआ है इन कोचिंगों के अंदर। लेकिन आजकल ये सिस्टम हो गया, जहाँ पे पहले दुकानें हुआ करती थी आजकल वहाँ पे क्लासेज हुआ कर रही है। ये पूरा वो एरिया जहाँ पे एक साथ में बहुत सी क्लासेस दिख रही होगी। सो काफ़ी रोमांचक वीडियो है ये, अभी मैं बना रहा हूँ तब आपको इतना अट्रैक्टिव वीडियो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि सारी दुकानें बंद है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जिस समय ये सारी दुकानें वगैरह खुलेगी उस समय मैं फिर से इस वीडियो को बनाऊँगा। उस समय आप देखेंगे तो ये वीडियो इतना ज़्यादा रोमांचक बनेगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी। और जब भी आप दिल्ली आए तो उसमें आप इस एरिया को फील कर पाएंगे। जो आप जो अभी ये वीडियो में देख रहे हैं वो आप दिल्ली आने पर बहुत सी इन चीज़ों का फील कर पाएंगे कि मैंने इस वीडियो में जो दिखाया है जब आप आँखों के सामने से देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रोमांचक दिखेगा। और स्टूडेंट मैंने आपको दिल्ली से अगर बुकें वगैरह मंगवानी है तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके भी नंबर मिल जाएंगे अगर आपको दिल्ली से बुक्स वगैरह मंगवानी है तो। और जितने भी आपको कोचिंग रिव्यू की वीडियो है वो भी आपको इस वीडियो चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर देना। ये एरिया जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जब क्लासेस बंद होती है तो यहाँ पे सब स्टूडेंट एक साथ में आके इकट्ठा हो जाते हैं क्लासेस खुलती है तो। और एक वो जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो गपशप होती है वो यहीं पे की जाती है स्टूडेंट के द्वारा। स्टूडेंट मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके बता देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए